फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम सामान में बनने वाली पेड़ा की रेसिपी। आपको कुछ भी बाहर से लाने की जरूरत नहीं होगी, सारा सामान आपको किचन में ही मिल जाने वाला है। खाने में बहुत ज्यादा ये टेस्टी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी रेसिपी। गैस ऑन करेंगे, एक कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई को गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो चुका है, 3 से 4 बड़े चम्मच देसी घी ऐड कर लेंगे। देसी घी में बनाने पे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। घी अच्छे से गर्म हो चुका है, फ्लेम बिल्कुल कम पे कर लेंगे। मैंने यहाँ पे ले लिया है 1/4 कप बारीक वाली सूजी। आपके पास मोटी वाली सूजी है तो मिक्सी जार में एक बार रख के इसको पीस ले, बारीक सूजी तैयार हो जाएगी। सूजी को लो फ्लेम पे ही लगातार चलाते हुए करीब 1 मिनट हम भून लेंगे। सूजी को भूनते हुए मुझे 1 मिनट हो चुके हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 कप गेहूँ का आटा। ये वही आटा है जिससे हम रोज़ अपने किचन में रोटियाँ बनाते हैं। पूरे टाइम पे फ्लेम को हमें कम पे ही रखना है। आटे को लगातार चलाते हुए अच्छे से कच्चापन निकलने तक भूनेंगे। लो फ्लेम पे भूनने पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, पर अच्छे से भून जाता है, इसके अंदर कच्चापन बिल्कुल नहीं रहता है। इसमें मुझे घी थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं यहाँ पे ऐड करी हूँ 1 बड़ा चम्मच और घी। बस इससे ज़्यादा हमें घी और ऐड नहीं करना है। टोटल मैंने इसमें 5 बड़े चम्मच घी ऐड किया है। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। बस आटे को हमें कुछ देर और भूनना है तो मगज इसी टाइम पर ऐड कर लेंगे ताकि ये साथ साथ भून जाएगा। जैसे जैसे मगज भूनेगा चटकने की आपको आवाज़ आएगी। पेड़े का मिश्रण हमारा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है भून के, तो गैस को ऑफ कर देंगे। कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म है तो मिश्रण को कढ़ाई में छोड़ने पे मिश्रण जल भी सकता है और इसका कलर डार्क भी हो जाएगा, इसलिए इसे एक प्लेट में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। पेड़े के मिश्रण को मैंने एक थाली में रख लिया है, इसको अच्छे से फैला के ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। यह हमारा पेड़े का मिश्रण अच्छे से ठंडा हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल आसानी से मैं इसको हाथ लगा पा रही हूँ। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1/4 कप पूरा भर के पीसी हुई चीनी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर लेंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पर ध्यान रखिएगा पेड़े का मिश्रण आपका बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो शुगर पाउडर ऐड करने के बाद ये लिक्विडी हो जाएगा। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसको थाली में एक साइड में कर लेंगे। मिश्रण हमारा रेडी हो चुका है तो चलिए पेड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। नींबू के साइज जितना पोर्शन लेंगे, हाथ से अच्छे से ऐसे बाइंड करेंगे। बहुत ही आसानी से बन जाता है, कोई परेशानी नहीं होती है। आप शेप अपने पसंद के अनुसार लड्डू बना सकते हैं, पेड़ा बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे वैसा आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे गार्निशिंग के लिए थोड़े से तरबूज के बीज ले रही हूँ और थोड़े से बारीक कटा हुआ पिस्ता। गार्निशिंग आप अपने पसंद के अनुसार किसी भी ड्राई फ्रूट से कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद आए। फिर से पेड़े का मिश्रण लेंगे नींबू के साइज जितना, हाथ से अच्छे से बाइंड करेंगे। हल्का सा प्रेस करके पेड़े का शेप देंगे और इसके ऊपर मगज लगा लेंगे और थोड़ा सा कटा हुआ पिस्ता। बस ऐसे ही एक एक करके सारे पेड़ा हम तैयार कर लेंगे। पेड़ा हमारा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। पेड़ा बनाने के बाद मैंने इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था। ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है, देख पा रहे होंगे बिल्कुल मार्केट की तरह लग रहा है। कोई नहीं कहेगा कि आपने इसे घर में बनाया है। खाने में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तोड़ के दिखाती हूँ मैं इसका टेक्सचर। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही हार्ड बना है, बहुत ही सॉफ्ट बना है ये। तो आप भी इसको ट्राई कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।